आजा भाई, कहाँ से आएगा? ये चेक मारो, लाखों जनता होंगे भाई। 150 कपड़ा 150 हरामी हो बेटा। यहाँ हमारे कुछ फैन गर्ल्स मिली है, हेलो कर दो। हमारे करेजा एक का साउंड निकाल रहे। बाबा आप तो माला माल हो गए, इतना सारा कमा चुके हैं। देखो जोकर हमारे साथ, मैं भी जोकर हूँ, ये भी जोकर है। हम रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, ले जाओ ले जाओ, 20 रुपया खाली, 20 रुपया अमित को ले जाओ, 20 रुपया। गट्टा परसोला भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? एक आंटी को चोट लग गया, बहुत भयंकर यार, भीड़ में अंदर है। एम्बुलेंस भी आ गया, एम्बुलेंस आ गया शायद ले जाने के लिए। हेलो फैमिली, राधे कृष्ण, कैसे हो सभी? दिस इज ऑडिशन बॉय द वैंस, आप टीके पढ़ने देंगे तो हमारे चैनल द वैंस का शोधन। आज है पूर्णिमा बॉयज, पूर्णिमा में क्या होता है, लोग घाट के पास जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, नदी में नहाते हैं सुबह सुबह के टाइम में, और वहाँ पे जो आसपास में मंदिर रहता है वहाँ पूजा करते हैं, एंड उसके बाद उसी घाट के आसपास में मेला वगैरह लगता है। हमारे यहाँ एक राम घाट है जो पारगंगा नदी है, वहाँ पर सुबह सब लोग जाते हैं, नहाते हैं, उसके बाद वहाँ मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह करते हैं, एंड छोटा सा मेला वहाँ पर लगता है, लोकल मेला, देसी मेला, जो कि बहुत मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं वहाँ पर सभी लोग। तो हम लोग भी जा रहे हैं अभी, और आज है राम घाट मेला 2.0, क्योंकि पिछले साल भी मैंने बनाया था ब्लॉग, आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाया था। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं, लेट्स गो मैंगर। सुबह का बज रहा है 9, बॉयज देखो हमारे घर का लाइट चला गया है यार, इन्वर्टर का डिस्टरबेंस हो गया है, लाइट भी जा रहा है, काट रहा है यार आज ही के दिन, इसलिए सारा लाइट उड़ा हुआ है। और देखो पूरी सब्जी वगैरह वगैरह सब कुछ बना है। पहले क्या होता था ना बॉयज, के दादी और मम्मी हम सब फैमिली वाले वहाँ पर सब कुछ लेकर जाते थे, खाने पीने वाला, सब्जी पूड़ी वगैरह वगैरह वहीं पर जाते थे, एंजॉय करते थे मेला में, पूजा वगैरह करके वहीं पर सब खाना वाना खा के हम लोग आते थे। बट अभी फिलहाल जानते हो सिचुएशन के अनुसार सब कुछ बदल रहा है, सो इसलिए आने के बाद हम लोग खाएंगे, अभी फुल फैमिली रेडी होते फिर चलते हैं हम लोग। ठीक है बटन, आप लोग लास्ट ब्लॉग में देखे थे हमारा स्कूटी खराब हो गया था, तो फिलहाल देखो ये बन चुका है। उसी दिन कुछ देर के बाद ये चलने लगा था, फिर पापा लेके गए थे सर्विस सेंटर में, इसका सर्विसिंग हो गया है। चलो चलते हैं हम लोग पहले एटीएम में पैसा निकालने, घर पे पैसा वैसा नहीं है यार। बॉयज हम लोग पहुंच चुके एटीएम, चलो यहां से निकालते हैं पैसा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा क्योंकि अभी समय मैंने अपना एटीएम कार्ड यूज नहीं किया है, मतलब पैसा नहीं निकाला है, यूज तो हुआ है बट मैंने नहीं निकाला। अलाउड है कि नहीं भाई एटीएम में वीडियो बनाना? मेरा एटीएम कार्ड ये देखो। अब यहाँ मैं पासवर्ड डालूंगा, ये स्क्रीन टच वाला है इसलिए बहुत बहुत कंफर्टेबल होता है। इंग्लिश कैश विड्रॉल, रकम डालता हूँ मैं यहाँ 500, कंफर्म। यहाँ से निकलेगा कैश कैश, मेरा जब फर्स्ट पेमेंट आएगा तब भी ऐसे मैं निकालूंगा, खट 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 खट। आजा भाई, कहाँ से आएगा? इधर से, यहाँ नीचे। हाँ भाई, ये भी नहीं किया। वेट फॉर कैश, आ रहा भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। छोड़ भाई छोड़, मिल गया मिल गया मिल गया, चलो चलो खड़ा हुआ नोट में। फाइनली फाइनली यहाँ पर दिख रहा है, रिसिप्ट भी आएगा शायद, यहाँ से रिसिप्ट भी आ गया, ये 500 हो गया। चलो चलते हैं अब घर। ओके बॉयज पहुंच चुके हैं घर, अब चलते हैं हम सारे फैमिली के साथ रामघाट मेला। ओके बॉयज हम लोग निकल चुके हैं घर से मेला के लिए, गुड मॉर्निंग अंकल, और हमारे फैमिली देख लो आगे जा रही है पैदल पैदल। अच्छा बॉय क्या चाल फैमिली मेरी, पैदल पैदल अभी आगे समा घोड़ी समा जाएंगे, वहाँ से ऑटो लेने के बाद फिर रामघाट आएंगे ऑटो से, और मैं सोम जा रहे हैं स्कूटी से। क्या हाल चाल मेरा भाई, ऑटो मिल चुका है बॉयज, एंड वहाँ पर मम्मा और दादी जा रही हैं ऑटो में बैठने, हम लोग भी चलते हैं संभाल संभाल के, आराम से प्यार से मोहब्बत से बैठ दो बैठ दो बैठ दो, ठीक है ठीक है ठीक है मम्मा। चलो हम लोग भी निकलते हैं, यो हुर्रे जय श्री राम। बॉयज ये वाला बस भी चल रहा है, ये वाले रोड पे जनता लोग जाते हैं, 50 रुपया 60 रुपया लेते हैं रामघाट पहुंचाने का। देख रहे हो जनता का भीड़ बॉयज, रामघाट का मेला कोई आम मेला नहीं होता है भाई, सारे देसी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, गांव गांव से लोग आते हैं, दुकान लगती है, वहाँ मनोरंजन होता है। दादी से तो सुना है कि पहले नाच गाना भी होता था रात में।
सो डीके पलटन स्कूटी को कहाँ पार्क करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनने में यही आया कि बहुत तगड़ा चार्ज लेते हैं बाइक स्कूटी या साइकिल का पार्किंग में। आ जाओ आ जाओ। नहीं अच्छा चलो चलते हैं पार्क करने इस स्कूटी को। ओ ओ ट्रैक्टर टाली से भी आ रहे हैं बैठ बैठ के लोग भाई गाँव गाँव से। हेलो बच्ची लोग यहाँ पार्किंग कर देते हैं साइड में। पार्किंग वाले में तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे, थोड़ा पैसा बचाते हैं। और देखो हमारे स्कूटी में ग्रीन प्लेट लग गया है बॉयज, अब पुलिस वाले नहीं रोकेंगे हम लोग को। ओके बॉयज पार्किंग डन हो चुका है, अभी फैमिली के साथ चलते हैं अंदर। हमारे मम्मी दादी इधर है, ये देखो अब मेला मेला का इंजॉय लो आप लोग। अरे भाई साहब ये चेक मारो, लाखों जनता होंगे भाई, 10,000, 20,000, 100,000 जनता होंगे। पुल पे भी बहुत तगड़ा भीड़। ठीक है पलटन पहले हम लोग क्या करेंगे, जा रहे हैं यहाँ नदी के पास में, पानी वानी छिड़केंगे अपने ऊपर क्योंकि नहाया नहीं है, मतलब नहाना एक होता है ना परंपरा, लेकिन छिड़केंगे फिर जल भर के हम लोग जाएंगे मंदिर पे पूजा करने के लिए। इतना बड़ा स्विमिंग पूल चेक मारो डीके पलटन, और ये स्विमिंग पूल में जा रहा नहाने, जा भाई नहा ले। नहाएगा तू? नहाएगा वो सब नहीं लेकर आया हो चड्डी बनियान। और अभी 10 बजे भी इतने लोग नहा रहे हैं, ये चेक मारो। दादी गई है पानी भरने, सिक्का मिला फेंकने के लिए, ये रह गया। चल भाई फेक 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 फेक, चल फेक, चल भाई फेक, समझ आता है। देखते हैं चलो डिस्टेंस, रुको जाओ जाओ फेंको फेंको फेंको, दिखा ही नहीं भाई। अब मैं अपना फेंकता हूँ, कैश ले रहा हूँ। बहुत दूर गया, बहुत दूर गया, पार हो गया, जमुना पार हो गया, जमुना पार जमुना पार मल्लाही। हाँ। जय भगवान, जय गंगा माई, जय गंगा माता। चलो हम भी चलते हैं पानी छिड़कने, आ जाओ नदी में। ए गंगा माता, अले 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 फिसल रहा है भाई। अरे भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई क्या चाल, नहा रहे हो भाई, नहा रहे हो? नहाने आए स्विमिंग पूल में, नहा रहा है एक अपना भाई। सिर्फ 150 रुपये में भाई गाय का पूछ पकड़ो और पूजा करो। गाय का पूछ हाथ पकड़ोगे तो 150 रुपया तीरना पड़ेगा। एक गाय हम लोग को भी ले आना चाहिए था ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता भाई। मस्त प्लान है। ओ बंदे यार मेला का परंपरा फॉलो कर रहे हैं और शोभा बढ़ा रहे हैं पिपेरी बजा बजा के। अजन गर्ल्स पूजा यहाँ पर हो चुका है, अभी बछुआ छूने का पारी है। दादी जा रही है पहले छूने, उसके बाद फिर मम्मी और पापा जाएंगे छूने के लिए। बाबा जी मंत्र पढ़ रहे हैं और दादी हमारी पूछ पकड़ी हुई है बछुए का। बछुआ छूने से पहले पैती पहनते हैं हाथ में, यहाँ पर देख लो। अब मम्मी पापा जा रहे हैं बछुआ छूने के लिए। मंत्र सुनाता हूँ कि मंत्र बाबा क्या पढ़ते हैं। हाँ जी मंत्र सुनाइए आप। शॉर्ट कार्ड का मंत्र है हुआ है। अच्छा अस्तिले वाला। हम लोग सीधा भी छू के बाबा को दे दिए हैं भाई, और बाबा इतना सारा सीधा कमा चुके हैं, देख रहे हो बाबा आप तो माला माल हो गए, इतना सारा कमा चुके हैं। बॉयज अभी वहाँ पर हम लोग पूजा कर चुके हैं नदी के पास, अभी यहाँ पर बजरंग बली का पूजा होगा, फिर वहाँ अंदर शंकर जी का होगा, फिर एक और मंदिर है अंदर, पूजा करके मिलते हैं आप लोगों से। ओके बॉस वहाँ पर दर्शन हो चुका था एंड अभी हम लोग फिलहाल पहुँच चुके हैं यहाँ पर एक और मंदिर में, जो कि एकदम अंदर है रामघाट में, वहाँ से चल के आए हैं। वो सबका सीन अभी बाद में दिखाऊंगा, दोस्तों के साथ आऊंगा तब। फिलहाल इस मंदिर में चलते हैं, यहाँ पर राम जी का भी मूर्ति है, शंकर जी का भी और सब भगवान जी का है। यहाँ पर पूजा पाठ डन हो चुका है, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेला घूमने का। थोड़ा बहुत फैमिली के साथ मेला घूमेंगे, कुछ खाए पिएंगे जो भी अगर इच्छा करेगा, नहीं करेगा तो वैसे ही घूम के फिर घर चल जाएंगे। बहुत तगड़ा हो रहा है, बहुत तगड़ा शोर आ रहा होगा आप लोगों को, सॉरी क्या बताऊँ, जो भी है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओ बॉयज एंड गर्ल्स अभी फिलहाल हमारे मोहल्ले के एक आंटी का, जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उनका यहाँ पर दुकान लगा है। आंटी जय श्री राम, हाय कर दो यहाँ गाइस के हमारे। ये आंटी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, एकदम दिल से सपोर्ट करती है भाई, यहाँ पर दुकान लगाई है। तो आंटी आप क्या दे रही हैं? मंसूर कितने रुपए किलो है? ये क्या देंगे। ये क्या है? ये मंसूर है, बर्फी है, वो भी काजू वाला बर्फी है। अच्छा तो काम वाला बर्फी है। तो हमारी मम्मी मम्मी क्या ले रही है? मम्मी ले रहे हैं मंसूर ले रहे हैं। कितने रुपए किलो है? 300। अच्छा फिलहाल अभी हम लोग ले रहे हैं मंसूर आंटी के घर से। हाँ हाँ एकदम आंटी
बिंदास। हमारे देसी मेला, लोकल मेला, रामघाट मेला का सबसे मशहूर चीज जो कि आप लोग आंखों के सामने अभी देख रहे हो यहाँ पर, जिसका नाम है पेठा गट्टा, परसोला भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। हम लोग भी ले रहे हैं एक बहुत थोड़ा थोड़ा घर के लिए। तो भाई जिनका सभी पेट पूजा करते हैं, कुछ आए हैं मेला में तो खा लिया जाए। भटूरा बन रहा है अपना भाई, और मम्मी और दादी नहीं खाएंगी, हम और सोम सिर्फ खाएंगे। आगे अपना छोला भटूरा, इतना बड़ा बड़ा भटूरा है, छोला है, और उसके बाद अचार है, खाते हैं इसको। वहाँ पर हम लोग खा के निकल चुके थे, और अभी फिलहाल सोम ले रहा है मास्क, क्योंकि हम लोग म्यूजिक वीडियो में भी यूज कर सकेंगे और बाबू भैया को भी सपोर्ट करेंगे। कितने का है भैया ये मास्क? भैया अभी कुछ देर पहले ऐसे हम लोग पूछ के गए थे, कितना पैसे है भाई तेरे पास? 70 रुपए दे दे भाई। अभी कुछ देर पहले हम लोग पूछ के गए थे, भैया 80 बताते हैं, तुरंत 100 रुपया बोल दिए। देखो जोकर हमारे साथ, मैं भी जोकर हूँ, ये भी जोकर है, हम सब जोकर है, जो अपनी बेइज्जती करा के दूसरों को हंसाता है। जैसे मैं अपनी बेइज्जती करा के आप लोगों को हंसाता हूँ, तो हम भी जोकर है, ये भी जोकर है कि नहीं भाई? अब ये म्यूजिक वीडियो में यूज करूंगा यार, खतरनाक बनेगा सीन। और बाबू भैया को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, DUK07 राइडर जिंदाबाद। ओके बॉयज, मम्मी फिलहाल मान चुकी है, मम्मी को तब से बोल रहा हूँ कि कुछ खा लो कुछ खा लो, तो जाके मानी है, पानी पूरी खाने जा रही है। और ये जो मास्क लगाया है सोम, इसका बहुत ओपी रिएक्शन आ रहा है भाई, सब लोग देख रहे हैं, ये देखो कितने लोग तो क्या कह रहे हैं, आए देख, अरे भाई साहब, एक मिला तो बोल रहा है भाई, चेहरा लगा के घूम रहा है, सब लोग देख रहे भाई, पलट के देख रहे हैं, ओपी रिएक्शन आ रहा है एकदम लंदन टॉप। दादी का पैर दुखने लगा बॉयज, अभी वापस चलते हैं हम लोग घर, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, खाना खाएंगे उसके बाद फिर दोस्तों के साथ वापस आएंगे। तो बॉस क्या हुआ था, आके घर पे हम लोग खाना वाना खा लिए थे, उसके बाद मैं कुछ देर सो गया था, अभी जस्ट उठा हूँ दोपहर के बाद राय दो, और देखो मौसम एकदम बिगड़ा हुआ है भाई, एकदम खराब है भाई, देख रहे हो इसे बारिश वारिश होगा। फिलहाल चलता हूँ मैं, अमित को उठाता हूँ फिर मेला में लेकर चलता हूँ। तो अगेन बॉयज मैं पहुंच चुका हूँ मेला में अमित को लेके, और ये फिलहाल चेक करो ये क्या कर रहा है, अभी देख रहा है जुआ हुआ जुआ, आए देखो देखे जैसे कैमरा ऑन के भाग गया वहाँ, यहाँ जुआ हुआ चल रहा है, जाओ लगाओ हमें आए खेलते मर्दे। हाँ जा रहा था, बोला था भाई 50 रुपया उधार दे दो यार, लगा दू बता हरामी हो बेटा। डीके पटन हर जगह जुआ चल रहा है, बाप रे हर कोने कोने में। अभी तो और कचाकच भीड़ है यार, कुछ देर पहले इतना ज्यादा भीड़ नहीं था। यहाँ हमारे कुछ फैन गर्ल्स मिली है, हेलो कर दो, हेलो और भी कर दो, नहीं करेंगे क्या वो लोग, सर मिली है छोड़ दो, मजा आ रहा है, घूमो घूमो, कहाँ गया मेरा भाई, आगे चला गया, हाय ले कपड़ा 20 रुपया, कपड़ा ले लो 20 और भाई कपड़ा ले लो, कपड़ा 150 अरे कितने में भैया, और भाई लोग 150 में, कितने में 150 कपड़ा 150 कपड़ा 150 कपड़ा 150 पता हरामी हो बेटा। भाई एक टुकड़ी में मिलेगा, अंडरवेयर मिलेगा, चड्डी मिलेगा, चड्डी और कच्चा कच्चा भीड़ है भाई, हम लोग कपड़ा बेच रहे हैं, पहले कोई छुपड़ा ले भैया, कपड़ा ले लो कपड़ा, पहले देख के चला देगा तो किडनी चला जाएगा, किडनी चला जाएगा, देख लो कच्चा कच्चा भीड़ है एकदम धमाकेदार। सो कच्चा क्या है, 100 रुपया किलो, किलो ना 10 रुपया लीटर। लीटर दूध, अरे सॉरी 2 लीटर दे दो। तो आ चुकी है चूल्हे में बना हुआ चाय, चाय गरम पी लो, जिसके डिस्क्रिमिनेशन भैया हमको इतना कम मिला है।
टेस्टी है टेस्टी है टेस्टी है। फिर आगे चलते हैं अभी पी के चाय। रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, ले जाओ ले जाओ, 20 रुपया खाली, 20 रुपया अमित को ले जाओ, 20 रुपया। अपने डीके पल्टन के मेंबर, हेलो हेलो। सो डीके पल्टन यहाँ पर चिट्ठा उठा मिल रहा है, चलो आओ 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 देखते साइकिल वाइकिल है। अमित जा रहा है खोलने अपने लड़के बच्चे के लिए साइकिल लेगा। भैया कितने रुपया, भैया कितने रुपए का है खत्म भाई? भाई कितने रुपए का है? 20 का 50 का 50 वाला 50 में साइकिल पड़ेगा। अपने लड़के बच्चे के लिए ले लेंगे हम लोग। भाई भाई भाई, अबे 10 वाला चिप्स पड़ी, ले लो ले लो। नहीं बेटा कैसे है, कैसे है खाली 150 रुपया देगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम लोग जा रहे हैं टैटू बनवाने, वो भी मैं नहीं बनवाऊंगा, अमित बनवाएगा। अपने हाथ में जा रहा है आर और के लिखवाने, क्योंकि इसके भाग्य में लिखा है 2 शादी होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, इतना सारा टैटू का डिजाइन है। अमित लिखवाओ आर के, आर से राम कैसे कृष्णा, ज्यादा गलत ना सोचना भाई, नेगेटिव मत सोचना भाई। आर से राम कैसे कृष्णा लिखवाओगे क्या पक्का? अरे ना मरदे ट्रेवल करेगा। हाँ बात सही है, कैंसिल हो जाएगा मेरा। ये सब अगर टैटू कराएंगे हम लोग तो विदेश या फॉरेन में नहीं जाने को मिलेगा। हेलो मेरा भाई, कुछ लिखवाओगे आप में? अपन कारपेंटर नंबर, भाभी का नाम हो तो हम लिखवा लो। अनीता पोखरे, हाँ बाद में अनीता पोखरे लिखवाओ कुछ भी। सो बचवा लोग, बहुत दिन के बाद हमारे मित्र मिले हैं, जेरा वेरा जुड़ाए के बाद तुम्हें देख के बहुत बहुत दिल के सुकून मिला था। वो आ हमारे करेजा आ एक का सार निकाल रहे नॉनसेंस। बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं क्लासमेट से, बाय बाय। लगभग लगभग 2-3 साल हो गया होगा, 2-3 साल। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखो कुछ हो गया, अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो गया गाइस, खतरनाक सीन हो गया। अरे भाई साहब किसने ठोक दिया यार, किसी को चोट लग गया है बहुत खतरनाक ही। अरे वहाँ देखो पुलिस वुलिस सब पहुँच चुके हैं। वहाँ पुलिस लेकर जा रहे हैं, पुलिस लेकर जा रहे हैं भाई। ओ माय गॉड यार एकदम खतरनाक ही हो रहा है यहाँ पर, किसी आंटी को लगा है मेरे ख्याल से। एक आंटी को चोट लग गया बहुत भयंकर यार, भीड़ में अंदर है। एम्बुलेंस भी आ गया, एम्बुलेंस आ गया शायद ले जाने के लिए। ऑलराइट जनता, हम लोग देख के आ चुके हैं मेला वगैरह, और वहाँ पर आप लोग लास्ट बारी देखे हो एक्सीडेंट हो गया था। एक आंटी बहुत तगड़ा छुटा गई थी, बाइक वाला ठोक दिया था इधर उधर, वो एकदम थोड़ा लापरवाही से चला रहा था, धीरे नहीं चला रहा था तगड़ा चला रहा था, इसी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया। अब देखो उनका क्या होता है, एम्बुलेंस वगैरह भी गया है लेकर जाएगा एम्बुलेंस। आई होप, भगवान से आशा करता हूँ कि वो आंटी सेफ रहे और उनका सब कुछ ठीक हो जाए। फिलहाल यहाँ पर धन्नो अपने खड़ी है, इसको लेते हैं वहाँ पर, हमें चाय बनवा रहा है, चाय पीते हैं उसके बाद हम लोग जाते हैं घर। और फिलहाल ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। अगर आप लोग टोलिया कपिल वस्तु से हो तो लाइक जरूर कर देना यार, और आप लोगों को पसंद भी आया हो तो लाइक करना, ओके। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, दिल से मोहब्बत पारा।